एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस चैनल जिसका नाम है ईट हेल्थी स्टे हेल्थी। नए आए हो इस चैनल पे, सो इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताजो एवरी अदर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, पता चलता रहे कौन सी वीडियो इस चैनल पे आ रही है। एक्चुअली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, सो इस चैनल पे एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 वीडियोज अ वीक आएंगी, वो भी डिफरेंट होंगी, वो आपको पता चलता रहेगा। आज की रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल स्टफ्ड पेपर, ये बनेगी थोड़े डिफरेंट अंदाज में, सो वो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। पहले पेपर्स प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 पेपर्स, वन इज ग्रीन अनदर वन इज रेड। टॉप में से साफ करके उन्हें अंदर से जो भी है उनको क्लीन करना है प्रॉपरली। जस्ट ट्राई टू रिमूव द सीड्स। सेम इसका भी टॉप में सेपरेट करके एंड इसे फेंकना मत, हम इसे यूज़ करने वाले हैं स्टफिंग के लिए। एंड जो भी सीड्स हैं उसे रिमूव कर दीजिए। पेपर्स आर ऑलमोस्ट रेडी। अब हम ऐसे करते हैं, इसको ऑयलिंग भी कर लेते हैं। जस्ट स्लाइटली सा कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ करके इसे थोड़ी ऑयलिंग कर दीजिए आउटर एंड इनर कॉर्नर्स। एंड अपना ओवन प्री हीट कर लीजिए, हमें चाहिए अराउंड 300 to 350 degrees पे। सो मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है। आई एम गोना पुट दीज पेपर्स इन द ओवन नाउ फॉर अराउंड 30 minutes। जब तक ये पेपर्स कुक हो रही हैं हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए जो भी मैंने पेपर्स का पार्ट रिमूव किया था उसे ही मैं फाइन चॉप कर रही हूँ। जितना भी स्मॉल साइज में आप कर सकते हो कर लीजिए। वो भी स्टफिंग जो है ना, जो कलरफुल सी हो जाएगी, इट विल लुक्स नाइस। ऐसे करते हैं हम। अब वन टमेटो, चॉप द वन टमेटो। यहाँ पे आई लाइक टू रिमूव द सीड्स बिकॉज इट्स नॉट रियली हेल्थी। एंड सेम साइज में जितना भी आपको फाइन चॉप करना है इसे कर लेते हैं। नाउ आई एम गोना टेक वन ग्रीन अनियन, ट्राई टू चॉप इट टू। यहाँ हमारे वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब मैंने पैन रख दिया है स्टोव पे, पैन रख दीजिए। अराउंड 1 tablespoon ऑयल डाल के, कुकिंग ऑयल, बिकॉज हमें वेजिटेबल्स को कुक करना है। I'm gonna move these all in this big pan. All vegetables एक ही जगह पे रख लेते हैं बिकॉज हमें साथ में ही कुक करना है। अदर साइड टेक अ पैन एंड एड 1/2 spoon ऑफ ओट्स, इट्स रियली हेल्थी टू। यहाँ पे 1 cup डाल देते हैं वाटर, पानी का 1 cup। एंड अब हमें इसे भी कुक करना है, इसमें डाल लेते हैं 1/2 spoon ऑफ सॉल्ट एंड अराउंड 1/2 spoon ऑफ पेपर्स, ब्लैक पेपर्स। इसे भी कुक करना है, प्रॉपरली कुक करना है। इट इज़ अ क्विक ओट्स, इट्स गोना टेक अराउंड 2 to 3 minutes टू कुक। जब तक ये कुक होते हैं तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 1 boil आ गया है इसे। यहाँ पे मैंने अनियन ऑलरेडी डाल दिए थे, अनियन मेरे कुक हो चुके हैं। नाउ आई एम गोना ऐड ऑल मिक्स वेजिटेबल्स हियर, क्विक मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो भी स्पाइसेस डालने हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। थोड़ा स्पाइसी रखना है, आप इंडियन स्पाइसेस चाहते हो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने तो जस्ट पेपर्स एंड सॉल्ट टू टेस्ट एंड बस जस्ट इटालियन हर्ब डाले हैं बाद में। यहाँ पे पिंच ऑफ रेड पेपर डाली है मैंने, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो स्पाइसेस पे। यहाँ पे मैं क्यूकम्बर काट रही हूँ। ऐसे करते हैं, जब तक कुक होता है तब तक क्यूकम्बर प्रिपेयर कर लेते हैं। वेजिटेबल्स को भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट कुक हो गया है। यहाँ पे लेट्स ऐड इटालियन स्पाइसेस, इसे इटालियन हर्ब बोलते हैं। यहाँ आप पे डिपेंड है, आप जो भी डालना सकते हो, टोटली अप टू यू।
जैसा भी आपका टेस्ट है। यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर भी डाल दिया, अभी स्टोव बंद कर देते हैं, हमें क्यूकम्बर को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर पेयर द ग्रेट द चीज़ नाउ, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके किचन में पड़ा हुआ है। अब जो हमने ओट्स रेडी किए थे उसे मिक्स कर लेते हैं वेजिटेबल्स में। या मैंने मिक्स कर दिया है, अभी रेडी टू स्टफ। अब पेपर्स में स्टफिंग डालते हैं, जो भी जैसे भी जितना भी करना है टोटली आपके ऊपर है। चीज़ ज़्यादा यूज़ करना है, डिफरेंट चीज़ आप लाइक करते हो, नहीं लाइक करते तो मत डालिए। मैं टू लेयर्स बनाऊंगी चीज़ की, मैंने ऑलरेडी एक लेयर डाल दी है, थोड़ा चीज़ी सा हो जाएगा। इट्स लुक्स रियली कलरफुल। आप अपना ओवन भी प्री हीट कर लीजिए, बिकॉज हमें अगेन इन्हें ओवन में रखना है। यो, माय ओवन इज रेडी एंड पेपर्स आर रेडी टू। लेट्स पुट दीज पेपर्स इन द ओवन टू कुक अराउंड 30 मिनट्स। After 30 minutes, there is the peppers. Wow, it's ready. It looks delicious. Wow, इसमें आप थोड़ा सा decoration करते हैं इनकी, और भी अच्छी लगे। Cheese डालते हैं. Wow, let's put these in the plate now. It looks delicious. आपको कैसी लगी? मुझे जरूर बताना। हमारी स्टफ्ड पेपर रेडी है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। जिस किसी की फेवरेट है पेपर्स, वो लाइक करते हैं खाना, उसे तो बड़ी मज़ेदार लगी होगी। और जिस किसी की फेवरेट नहीं है पेपर्स की फ्लेवर और स्मेल नहीं लाइक करते, उन्हें भी, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिसे पेपर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इट्स रियली हेल्थी। अब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। ओट्स में है आयरन, जिंक, विटामिन B1, 5 एंड लॉट्स ऑफ फाइबर विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। एंड क्यूकम्बर में है लो इन कैल्शियम में विटामिन, मिनरल्स, लॉट्स ऑफ अदर हेल्थ बेनिफिट। पेपर हैज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, रिच इन आयरन एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन B। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।